शायद समझ में आ गया कि क्या होता और कैसे बॉडी फ्लू बॉडी में अपने ब्लड पास होता है अब कैसे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर फेंकते और कैसे ऑक्सीजन को बॉडी में लेते ये सब हमने कल देख लिया एक हिसाब से हमने और क्या रेस्पिरेशन और ब्लड दोनों एक साथ में समझ लिया था है ना ठीक है एक बार डायग्राम से समझना चाहो तो एक बार मैं आपको, आपको समझा देता हूँ ये वाला है ना तो पेंसिल ले, ले लेते हैं तो ये जो अपना है ये लंग्स है ठीक है लंग्स के इधर राइट साइड से क्या आता था अपना ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलता था ऑक्सीजन मिलने के बाद ये जो ब्लड इधर लंग्स के पास में एट्रियम और ये वेंट्रिकल तो एट्रियम के पास जो तो जाता है ये ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है उसे क्या कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना ये राइट एट्रियम में जाता है ठीक है राइट एट्रियम से नीचे की तरफ गिरता है नीचे की तरफ गिरने के बाद वेंट्रिकल से ये ऐसे होता हुआ कहा जाता है किडनी लीवर जहां जहां जाना होता है तो जैसे भी कहा किसी भी ऑर्गन के पास जाता है तो वो ऑर्गन क्या बोलता है कि मेरे को ऑक्सीजन की जरूरत है तुम्हारे पास ऑक्सीजन है तो दे दो तो ब्लड बोलता है मेरे पास ऑक्सीजन पड़ा है तुम लोग ले लो तो लीवर और किडनी को देने के बाद लीवर और किडनी क्या बोलते हैं लीवर और किडनी के अलावा जितनी भी चीज होती है बॉडी के अंदर कितने भी पार्ट हो कोई सा ही ऑर्गन हो सबको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और सारे कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट बना मानते हैं तो लिवर किडनी जो भी ऑर्गन है उन सब ने बोला कि चलो ऑक्सीजन दे ही दिया है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट पड़ा है इसको भी साथ में लेके जाओ तो इधर आके ऑक्सीजन देने के बाद में सारा ऑक्सीजन देने के बाद में सारे जो ऑर्गन होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को दे देते हैं ब्लड को देने के बाद में यहां पे जो ब्लड ऊपर की तरफ हार्ट में जा रहा है ना इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है क्या है सीओ टू है तो इसको क्या बोल दिया जाता है डी ब्लड ठीक है ना अब ये ऊपर जाता है ऊपर जाता है पहले कहां जाता है एट्रियम में जाता है राइट वाली एट्रियम में जाने के बाद नीचे वेंट्रिकल में वेंट्रिकल से होते हुए ये जाता है लंग्स में वापस जहां टू बाहर फेंक देता है और आगे आता है तो इसको ऑक्सीजन मिल जाती है और ऑक्सीजन लेके वापस ऐसे पूरा चक्कर मारता रहता है इस पूरे चक्कर मारने को क्या बोलते हैं सर्कुलेशन या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन का मतलब होता है चक्कर गोल घूमना पूरा घूमना तो ये पूरा चक्कर ही तो मार रहा है ऐसे गोल घूमेगा पूरे में हार्ट के अंदर से जाके बाहर आएगा किडनी में जाएगा वापस से हार्ट में जाएगा हार्ट से लेके हार्ट जोर से पंप करेगा लंग्स में जाएगा लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फेंक के वापस ऑक्सीजन ले लेगा ले फिर वैसा का वैसा सर्कल चलता रहेगा ऐसा पूरा सर्कल हमेशा बॉडी के अंदर लगातार हर से हर मिनट चलता रहता है एक मिनट में बारह बार चलता है ये पूरा प्रोसेस ठीक है ना तो ये कहलाता है पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम इसके बाद हमने तीन चीजें बताई थी ब्लड वेसल्स नाम की जिसमें आर्टरी अपन ने पढ़ ली थी अब पढ़ते हैं कैपिलरीज क्या होते हैं तो आर्टरीज क्या होते हैं जो ब्लड को बॉडी से बाहर लेके जाते हार्ट से जो ब्लड लेके जाते हैं ना वो कहलाती है आर्टरीज अब कैपिलरीज क्या होती है थोड़ा छोटा कर लेते हैं द आर्टरी नेटवर्क कैरीज ब्लड ऑल ओवर द बॉडी

अब आर्टरी क्या होता है आर्टरी के अंदर एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आर्टरी की जो वॉल्स होती है है ना आर्टरीज की जो जैसे कि ये पूरा जैसे कि ये एक ट्यूब में होता है अब ये ट्यूब के जो ये साइड साइड की जो चीज होती है ना इसको वॉल बोलते हैं ठीक है ठीके? अब ये वॉल क्या होती है बहुत मोटी होती है आर्टरीज में अब जो ऑक्सीजन को एक मतलब ऑक्सीजन लेने में और वापस जब देते हैं ना जब ऑक्सीजन दे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ऑर्गन से

है ना वो ब्लड मेरे में डाल दो मेरी जो वॉल्स है वो बहुत पतली पतली है मैं बिना मैं बहुत आराम से ऑक्सीजन को टिश्यूस में दे दूंगा और कार्बन डाइऑक्साइड ला के तुम्हें दे दूंगा वापस से समझ में आया तो यहां तक जब आए है ना यहां तक जब आए तब तो आर्टरी थी आर्टरी के पास में वो लेके आ गई और यहाँ पे आते में ये कैपिलरीज मिल गई कैपिलरीज ने बोला कि मेरे को दे दो मेरी जो वॉल्स है वो पतली है तो मैं ऑक्सीजन इसको देके कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस यहाँ आए तो ये वेंस बन गई ठीक है हार्ट से बाहर ले जा रही है वो कहलाती है आर्टरी हार्ट में जो ला रही है वो कहलाती है लेकिन दोनों क्या होती है मोटी होती है तो वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इधर उधर दे नहीं पाती है तो वो काम कौन करता है ठीक है थेके? हार्ट से ब्लड ले जाने वाली चीज होती है आर्टरी है ना ले जाती है अब उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसको आ, क्या टिश्यूज को देने का काम कौन करता है कैपिलरी कैपिलरी वो ऑक्सीजन देगा कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और वापस से छोड़ देगा वेन्स में वेन्स कौन सी होती है जो हार्ट के हार्ट के अंदर लेके जाती है ठीक है ये हार्ट से बाहर ला रही है और ये हार्ट के अंदर डाल रही है तो ये वेन और ये आर्टरी समझ गया ना वेन्स भी देख लेते आफ्टर ब्लड हैज गिवन अप इट्स ऑक्सीजन जब ब्लड ने अपना ऑक्सीजन दे दिया एंड डार्क रेड अगेन ये वापस से रेड कलर की हो गई इट्स कैपिलरीज ली इट्स इट लीव्स कैपिलरीज एंड एंटर्स ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन ठीक है जब इसने ऑक्सीजन दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया उसके बाद में ये कैपिलरी छोड़ के वेन्स में आ जाती है एक ब्लड वेसल्स जिसमें वेन्स में आती है ये वेन्स क्या करते हैं कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट वेन्स हैव टाइनी वन वैक्स क्या लिखा है ये वॉल्व वन वैक्स वॉल्व ठीक है क्या होता है ये हाँ उसके पास में बहुत छोटी छोटी वॉल्व होती है पतला सा होता है जो जो लेके जाता है ना देखो जरूरत क्या होती है पहले ऑक्सीजन देने की ऑक्सीजन बहुत मात्रा में चाहिए होता है टिश्यूज को तो बहुत फूला हुआ जरूरत होता है तो उस वो आर्टरी में लेके जाती है वापस जा रहे हैं उनके पास सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड उनके पास ऑक्सीजन नहीं है उनके पास मिनरल नहीं है उनके पास कुछ नहीं है क्योंकि अब तो बाहर फेंकने वाली चीज जो वेस्ट बचा है वो जाता है वेंस में है ना कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ नहीं बचा होता जो भी गंदगी होती है वो उसको ले जाती है वेंस तो वेन्स को ज्यादा जरूरत ही नहीं है ना चीजों की तो वो बहुत पतली होती है ठीक है कैपिलरीज से पतली नहीं होती कैपिलरीज की वॉल पतली होती है और ये जो होते हैं ना वेन्स वो पूरी की पूरी पतली होती है वॉल्स वॉल्व क्या होता है वॉल्व वर्ड का मतलब होता है जैसे कि नल होता है ना नल जैसे कि मैंने इसमें बताया था आपको जो चार हार्ट होते हैं ना अपना जैसे कि मान लो अगर ये हार्ट है अपना है ना तो यहां पे एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे छेद होता है है ना ये एक हिसाब से नल का काम करते हैं जैसे ब्लड इसमें आते हैं ये खुल जाते हैं और पूरा का पूरा ब्लड इसमें गिर जाता है है ना वैसा वैसा पूरा का पूरा ब्लड इसमें गिर जाता है तो ये जो नल जैसा सिस्टम है ना इसको क्या बोलते है? है, तो ली ली हैं वॉल्व बोलते हैं ठीक है तो दीज वॉल्व हेल्प टू कीप द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड सो ब्लड फ्लो बैक टू द हार्ट हाँ तो इसका क्या काम होता है कि जैसे ही ब्लड को नीचे डाला अब ऐसा भी हो सकता है ना जब प्रेशर लगेगा तो वापस से ऊपर चली जाए तो ये वॉल्व क्या करती है जैसे ही ब्लड नीचे जाता नहीं अपने आप को बंद कर लेती है ताकि वापस ऊपर ना चला जाए तो ये क्या काम करती है फ्लो बैक को जो वापस आने का फ्लो है उसको रोक देती है इसीलिए इसको वाल्व कहा जाता है मतलब एक नल कहा जाता है जब जा अपन को जरूरत होती है नल चालू करते पानी चला जाता है है ना जैसे ही जरूरत नहीं होती नल को बंद कर देते तो जैसे ब्लड को नीचे उतार दिया जरूरत खत्म उसने अपने आप को बंद कर दिया ताकि ये पीछे ना जा पाए ये काम होता है वॉल्व का ठीक है ना अब आगे का अपना टॉपिक है डाइजेशन इन रूमिनेट्स रूमिनेट्स वर्ड का मतलब समझो क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स ऐसे जो लगातार अपने खाने को च्यू करते रहते हैं अपने लगातार खाने को जब जब फ्री महसूस करते हैं अपने के खाने को लगातार च्यू करते रहते हैं इसमें क्या होता है दो बार प्रोसेस चलता है जैसे कि एक बार जैसे खाना खा लिया अपना क्या होता है अपन ने एक बार सुबह रोटी खा ली खा ली तो मतलब वो रोटी अंदर गई पेट में गई सुबह साफ होकर पेट बाहर निकल गया पेट साफ हो गया अपना है ना रूमिनेट मतलब ऐसे जानवर जो चीजों को चरते हैं चरते हैं मतलब मुंह हमेशा विधाव उनका चलता रहता है उनमें क्या होता है कि जैसे ही उन्होंने कुछ खाना खाया मान लो एक रोटी खाई रोटी खाई पेट में गई पेट में जाने के बाद उनको वापस से मन किया कि चलो कुछ खाते हैं तो क्या करेंगे दूसरे कूंढने नहीं जाएंगे जो उनके पेट में है ना उसी को वापस से ले आते अपने मुंह में और वापस चबाते 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 वापस छोड़ देते फिर उनका बाहर निकल जाता है ठीक है तो ऐसे जानवर जो अपने खाने को लगातार चबाते रहे चबाने के बाद लगातार चबाने के बाद में क्या वो उस खाने को क्या नाम दे दिया जाता है कड़ कड नहीं कड कड ठीक है अब थोड़ा बहुत पढ़ते हैं इसके बारे में क्या होता है ये रूमिनेंट्स आर एनिमल्स विथ ग्लोव स्प्लिट हूब्स एंड स्प्लिट पता है यही जो ये ऊपर का जो होता है ना मतलब जिसके आपने अब ये जैसे ऐसे सीधा जाता ना इसके बाद एक ऐसे ऊपर की तरफ ऐसा एक हम्प आता है सब में देखा होगा अपने ऊँटों में देखा होगा गाय भैंस सबके ऊपर ये एक हम्प जैसा सिस्टम आता है ठीक है इसको क्या बोलते हैं क्लोवन ठीक है या तो अरे सॉरी एंड सिस्टम ऑफ ईटिंग एंड डाइजेशन नोन एस चूइंग द कड ठीक है इनके अंदर कैसा सिस्टम होता है चूइंग द कड जैसे खाने को लगातार चबाते रहते जितनी बार मुंह में लेना लेते, वापस ले -ले के, चबा चबा के वापस तो अब इस खाने को क्या बोलते थे कड बोलते थे सीयूडी कड वेल नॉन रूमिनेट आर शीप कैटल गॉड्स डियर सबसे ज्यादा जानी पहचानी रूमिनेट कौन सी है शीप है ना शीप कैटल कैटल मतलब गाय भैसे जो तो भी चरने वाले होते गॉड्स डियर ये सब है ना जो लगातार खाने को चढ़ते जो घास वगैरह खाते जो हरबी होते हैं वो सारे रूमिनेट्स खिलाते हैं मोस्ट रूमिनेट्स रूमिनेट्स जो सबसे ज्यादा होते हैं उनके अंदर चार कैविटीज कैविटीज मतलब होल चार अलग अलग चैम्बर होते हैं जैसे हार्ट में चार चैंबर होते हैं ना वैसे इनके अंदर चार पार्ट में होते स्टोमक में ठीक है दीज आर रूमेन सबसे पहला कौन सा है लिख लेते हैं ठीक है सबसे पहला है चार कैविटी होती है कैविटी को और क्या बोल सकते हैं अपन चैम्बर बोल सकते हैं है ना तो पहला जो होता है उसको नाम दे देते हैं रूमन ठीक है आर यू एम ई एन है ये पूरा मिट जाएगा अभी तो क्या कह देते हैं इसको रूमन और रूमन के अलावा एक वर्ड दिया गया है इसको पॉच पी ए यू एन सी एच ठीक है इसके बाद दूसरा पार्ट है रेटिकुलम या फिर हनी कॉम रेटिकुलम या फिर हनी शायद आप सबको पता होगा जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना उसको हनी कॉम्ब बोलते हैं इसके बाद तीसरा आता है अपना ओमेस्टम नाम कामेस्टम सॉरी नहीं ओमेसम ठीक है तीसरा है अपने पास में ओमेसम, ठीक है थोड़ा सा ढंग से लिख लेता हूं ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। ओमेसम, ठीक है इसके बाद चौथा आता है ओपेमेसम यह है ओमेसम इसके बाद आता है एपोमेसम चौथा एपो मेसम या फिर इसको नाम दे देते हैं मो

रेटिकुलम में लाते हैं योमेसम में लाते हैं वापस से ईसोफेगस के थ्रू अपने माउथ में ले आते हैं माउथ में लाने के बाद में वापस से ये उस खाने को चबाते हैं चबाने की वजह से वो खाना और सॉफ्ट हो जाता है और छोटे 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 टुकड़ों में चब जाता है जिसको क्या बोल दिया जाता है कड बोल दिया जाता है ठीक है इसके आगे वाला पार्ट अपन कल के लेक्चर में पढ़ेंगे ठीक है अपन यही खत्म करते हैं तो रूमिनेंट क्या होता है ऐसे जानवर जो एक बार खाए हुए खाने को वापस से माउथ में लाके लगातार चबाते रहते हैं ताकि वो और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए ऐसे जानवरों को ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है रूमिनेंट एनिमल्स ठीक है सो टेक केयर गुड बाय थैंक यू